सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई ट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि UPI पे लेटर फीचर्स क्या है, क्योंकि गाइज अभी जो फीचर्स UPI पे लेटर और रिसेंटली RBI बैंक के थ्रू लॉन्च किया गया है, तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि UPI पे लेटर है क्या और इसको RBI ने क्यों लॉन्च किया है और इससे आपको क्या एडवांटेज होंगे। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो चलिए गाइज, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि UPI पे लेटर है क्या चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पर बात करते हैं कि UPI पे लेटर है क्या और इससे आपको क्या एडवांटेज होंगे। तो देखिए गाइज, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके खाते में पैसा नहीं है लेकिन आप सामने वाले के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दें, तो शायद कहेंगे कि ये बंदा किस तरह की बात कर रहा है मेरे से। तो जी हाँ गाइज, आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब कि गाइज, अगर आपके खाते में पैसा नहीं है और आपको 5,000 रुपये की ज़रूरत है रिसेंटली, तो आप गाइज बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से, आपको कहीं लोन भी नहीं लेना है और आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, अब आप बहुत इजीली अपने बैंक की तरफ से आप किसी को भी पैसा भेज सकते हैं इजीली। जी हाँ गाइज, यहाँ पर आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं होगा, बट गाइज यहाँ पर आपको ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि गाइज ये जो प्रॉब्लम है, इसका जो सॉल्यूशन है, ये संभव हो पाया है पे लेटर UPI की हेल्प से। तो जी हाँ फ्रेंड, अगर मैं आपको यहाँ पर मिला जुला करके सिर्फ एक लाइन में समझाऊँ, तो इसका मतलब ये फ्रेंड की आप अपने खाते में पैसा नहीं है फिर भी आप किसी को पैसा सेंड कर सकते हैं। लेकिन गाइस, जब आप पैसा सेंड करेंगे तो यहाँ पर पैसे की लिमिटेशन है, तो वो जो लिमिटेशन कितनी हो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, अभी तक तो हुआ कि पे लेटर UPI फीचर्स है क्या। अब चलिए गाइस, यहाँ पर पे लेटर UPI के एडवांटेज के बारे में एक नजर डालते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर इसका जो फर्स्ट बड़ा एडवांटेज है वो ये है फ्रेंड की, मान लीजिए कि हर इंसान की जो कंडीशन होती है वो सेम टाइम पर सेम नहीं होती है, कभी कभी आपके पास भी पैसा नहीं होता है और उस टाइम अगर मान लीजिए कि आपके साथ कोई अनहोनी हो गई, हालांकि गॉड कभी ना करे कि आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन आए कि जब आपके पास पैसा ना हो तभी आपके साथ कोई अनहोनी घटे, तो फ्रेंड मान लीजिए कि आपके साथ ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है और उस केस में आपके पास पैसे नहीं होते हैं और अगर आप किसी सामने वाले से पैसा मांगते हैं, तो आप यकीन मानिए सामने वाला इंसान आपकी मुसीबत में नहीं काम आता है। भले अगर आपके पास पैसा होगा तो सामने वाला पैसा देगा, बट अगर फिर उस इंसान को पता है कि आपकी कंडीशन ख़राब है तो आपको पैसा नहीं देगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको हेल्प करेगा पे लेटर UPI। तो जी हाँ, आपके पास अगर पैसा नहीं है और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप वो पैसा अपने बैंक की तरफ से आप उस बैंक में पे लेटर UPI फीचर्स को एक्टिवेट करेंगे और आप उसकी हेल्प से आप सामने वाले को पैसा पे कर पाएंगे और आपका वहाँ पर जो भी काम होगा वो वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। और दूसरा, तीसरा, चौथा एडवांटेज इस तरह से हो सकता है फ्रेंड कि मान लीजिए कि आप किसी शॉप पे गए और आपको कोई सामान परचेज करना है और आपके जेब में पैसे नहीं हैं और आपके बैंक में भी पैसे नहीं हैं, तो आप वहाँ पे जो भी चीज़ें परचेज किए हैं, जो भी बाय किए हैं, तो उसका जो बिल होगा वो आप पे लेटर UPI की तरफ से आप उसको पे कर सकते हैं। तो गाइज, अभी तक दो टॉपिक कवर हुआ, एक तो हुआ कि पे लेटर UPI है क्या और दूसरा ये हुआ कि इससे आपको क्या एडवांटेज होंगे। अब चलिए गाइज, यहाँ पे तीसरा टॉपिक बात करते हैं कि ये जो UPI पे लेटर फीचर्स है वो फिलहाल अभी किस किस बैंक में एक्टिवेट किया गया है, मतलब कि फ्रेंड आप इसको किस किस बैंक में यूज कर पाएंगे। तो अभी गाइज, यहाँ पर जो पे लेटर UPI फीचर्स है वो यहाँ पर ICICI बैंक में भी एक्टिवेट हो गई है और जो दूसरा बैंक है वो HDFC बैंक में भी एक्टिवेट हो गई है। तो अगर फ्रेंड आपका इन दो बैंक में अकाउंट है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इस पे लेटर UPI की हेल्प से आप पैसा भेज सकते हैं। अब चलिए गाइज, बात करते हैं कि अगर आपका या फिर आपके किसी फैमिली का या फिर आपके किसी रिलेटिव का अगर इन दो बैंकों में अकाउंट है, तो वो इन बैंकों की हेल्प से, पे लेटर UPI की हेल्प से वो कितना पैसा स्पेंड कर सकता है, मतलब कि पे लेटर UPI किसी पर्सन को कितना पैसा स्पेंड करने की इजाज़त दे सकती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50,000 है, मतलब कि 50,000 रुपये है पर व्यक्ति की आप किसको कितना ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर गाइज, मेरा पर व्यक्ति से मतलब ये नहीं है कि आप कितने भी पर्सन को पैसा भेज पाएं, यहाँ पर गाइज मेरा मतलब ये था कि अगर आपने इस पे लेटर UPI को यूज करके पैसा भेजना चाहा किसी को, तो आप तो चाहें तो किसी एक इंसान को 50,000 रुपये भेज सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो उसी 50,000 रुपये को आप 10 इंसान को भी भेज सकते हैं 5,000 रुपये करके, तो इस तरह से आप भेज सकते हैं। मतलब कि आपको जो मैक्सिमम लिमिट मिलेगी वो यहाँ पर 50,000 मिलने वाली है और यहाँ पर गाइज जो मिनिमम लिमिट है वो बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा कि बैंक आपको कितना लिमिट देगा। यहाँ पर गाइज मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये बिल्कुल जो है क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं है, मतलब कि अगर आपका पास सिविल स्कोर होगा तभी आपको मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सिविल स्कोर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर गाइज जो मेरा चौथा पॉइंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आपके मन में भी उठ रहा होगा कि क्या हम इसको फ्री यूज कर सकते हैं। तो जी हाँ गाइज, आप इसको फ्री यूज कर सकते हैं, बट गाइज यहाँ पर एक बाउंडेशन है, वो बाउंडेशन क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अभी देखिए गाइज, पे लेटर का जो भी चार्जेस लिस्ट है वो यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे देखिए जो बिल साइकिल पे लेटर वो यहाँ पे ओपन हो गया। जैसे कि देखिए, अगर आप 1,000 रुपये स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे जो सर्विस चार्ज यहाँ पे नील है, बिल्कुल भी शून्य है, आपको कुछ भी नहीं देना है। और यहाँ पे देखिए लिखा है 1,000 से 3,000 रुपये, अगर आप 3,000 रुपये तक स्पेंड करते हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, बट गाइज जैसे आप यहाँ से 3,001 रुपये सेंड करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए 75 रुपीज़ प्लस GST, तो इस तरह से जो अमाउंट है, चार्ज अमाउंट है सर्विस चार्जेस है, वो यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा।
तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो अभी तक गैज फाइनली हम लोगों का यहाँ पर 4 पॉइंट क्लियर हो गया है। अब गैज यहाँ पे जो 5वां पॉइंट आता है वो फ्रेंड यहाँ पे आता है कि हम इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा इसको एक्टिवेट करने का। तो चलिए गैज यहाँ पर मैं आपको वो बता देता हूँ। तो अब गैज यहाँ पर पहली बात तो ये है फ्रेंड कि इसको वही लोग एक्टिवेट कर सकते हैं जिनका फ्रेंड पहले से HDFC बैंक में अकाउंट हो या फिर ICICI बैंक में अकाउंट हो, या फिर वो लोग भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं जो लोग फ्रेंड आज के बाद HDFC बैंक में या फिर ICICI बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लेंगे। तो अगर फिर हम ये मान के चलते हैं कि जिसके पास भी ICICI बैंक अकाउंट होगा वो क्या करेगा फ्रेंड, वो जो है इस ICICI बैंक की इस वेबसाइट पर आएगा और उसको यहीं पर देखिए ऑप्शन मिल जाएगा एक्टिवेट एंड इंटरनेट बैंकिंग। तो अगर गैज जिस भी किसी पर्सन के पास ICICI बैंक का इंटरनेट बैंकिंग होगा तो वहाँ पर लॉग इन के इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकता है और उसके बाद उसको इन फ्यूचर यूज कर सकता है। और यहाँ पर गैस बात करते हैं उनके लिए जिनका HDFC बैंक में अकाउंट है, तो उनको भी सेम यही प्रोसेस करना होगा। HDFC बैंक की वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करना होगा, उसके बाद वो लोग वहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गैस यहाँ पर इसको एक्टिवेट करने के 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करके इसको एक्टिवेट कर लें, या फिर दूसरा तरीका ये फ्रेंड कि आप ICICI बैंक का जो मोबाइल ऐप होता है उसको भी ओपन करके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस HDFC बैंक में भी रहेगा। तो बस गाइस इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।